तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में जंग ना रोकने पर इसराइल पर हिजबुल्ला ने किया 165 मिसाइलों से हमला, 50 लोगों की मौत, 150 लोग गंभीर रूप से घायल। इसराइल का आयरन डोम सिस्टम भी हमला रोकने में हुआ फेल, हिजबुल्ला ने इसराइल में मचा दी तबाही। झारखंड में 43 सीटों पर आज पहले चरण की हो रही है वोटिंग। जेएमएम कांग्रेस पार्टी सबसे आगे, 2019 वाला बीजेपी का होगा हाल। गाजा पट्टी की जंग से डरे इसराइल के लोग, एक साल में 50,000 से ज्यादा लोगों ने छोड़ा देश, अगर जंग 3-4 महीने और चली तो पूरा इसराइल हो जाएगा खाली। वटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष ने किया पलटवार, योगी आदित्यनाथ को बताया आतंकी, बोले आतंकवादी करते हैं इस तरह की बात। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप से की मांग, बोले मिडिल ईस्ट में रुकवाएं जंग और फिलिस्तीन को करवाएं इजराइल से आजाद। बाबरी मस्जिद के बाद अब बांदा में हिंदूवादी संगठनों ने एक और मस्जिद गिराने का किया ऐलान, मुसलमानों को दिया अल्टीमेट, बोले 30 दिन में मस्जिद नहीं गिराई तो अयोध्या की बाबरी मस्जिद जैसा करेंगे हाल, कर देंगे इस मस्जिद पर कार सेवा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इसराइल पर हिजबुल्ला ने बरसाई 165 से ज्यादा मिसाइलें, इसराइल का आयरन डोम सिस्टम हुआ फेल, 17 की मौत, इसराइल में मचा कोहराम। दोस्तों आपको बता दें कि लेबनान में इसराइल से जंग के बीच हिजबुल्ला ने इसराइल पर आज बड़ा हमला किया है, उसने 165 से ज्यादा मिसाइलें इसराइल पर दाग दी हैं। इस हमले में 17 लोगों के मारे जाने की खबर है जबकि 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि हिजबुल्ला ने यह हमला इसराइल के उत्तरी इलाकों में किया है। वहीं आपको बता दें कि हिजबुल्ला के इस अटैक को रोकने में इसराइल का आयरन डोम सिस्टम भी फेल हो गया। इस हमले से जुड़ा इजरायली सेना की ओर से एक पोस्ट किया गया है, इसमें कई वाहनों को आग का गोला बने हुए देखा जा सकता है। इजरायल की सेना का कहना है कि हम हिजबुल्ला के हमले से अपने नागरिकों की रक्षा जारी रखेंगे, लेकिन हिजबुल्ला ने यह हमला ऐसा किया है जिसमें 90 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यानी इसराइल में एक बार फिर से हिजबुल्ला ने तबाही मचा दी है और हिजबुल्ला से जंग लड़कर इसराइल बर्बाद हो गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो झारखंड में पहले चरण के मतदान में आज 43 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट, जेएमएम कांग्रेस पार्टी वोटिंग में सबसे आगे। दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड में पहले चरण की 43 विधानसभा सीटों पर आज सुबह से ही वोट डाले जा रहे हैं। इसी वोटिंग के बीच बीजेपी के लिए बुरी खबर भी आई है। दरअसल आपको बता दें कि पहले चरण के मतदान में ही सुबह से ही इंडिया गठबंधन के समर्थन में जबरदस्त जनता वोट कर रही है और बीजेपी इंडिया ब्लॉक के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि वर्ष 2019 के चुनाव में इसमें से 25 सीटों पर जेएमएम कांग्रेस आरजेडी के गठबंधन ने जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी के हिस्से में मात्र 13 सीटें आई थी। 2 सीटों पर निर्दलीय और 1 पर एनसीपी और 1 पर जेबीएम ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार बीजेपी की स्थिति और ज्यादा खराब है। खबर ये सामने निकल कर आई दोस्तों कि इस बार बीजेपी मात्र 5 से 6 सीटें ही यहाँ पर जीत सकती है, यानी भाजपा की यहां पर आधी सीटें होने वाली हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में जंग से नाराज हुए इजराइल के लोगों ने छोड़ा देश, नेतन्याहू की उड़ी नींद। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल इस समय कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। गाजा में जहां 1 साल से ज्यादा समय से युद्ध जारी है, तो वहीं लेबनान बॉर्डर पर भी 11 महीने से तनाव के बाद 30 सितंबर से फुल फ्लॉट बार की जंग शुरू हो चुकी है, लेकिन इजराइल की जनता को यह युद्ध नहीं पसंद आ रहा है। करीब 94 लाख आबादी वाले देश के हजारों लोग इसराइल को छोड़कर भाग रहे हैं। CBSE की ओर से एक रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें बताया गया है कि पिछले साल से देश छोड़ने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है और 2022 के आंकड़ों की तुलना में 44% से ज्यादा इसराइल के लोगों ने देश छोड़ दिया है। यानी गाजा पट्टी और लेबनान में हिजबुल्ला से जंग लड़ने के कारण इसराइल की जनता इसराइल की सरकार से नाराज है और अब देश छोड़कर
यहूदी भाग रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने योगी आदित्यनाथ को बताया आतंकवादी। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा पलटवार किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और संतों को लेकर बड़ी बातें कही हैं। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि गेरुआ कपड़े पहनकर समाज में ये बाबा नफरत फैला रहे हैं और लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि ये लोगों के बीच नफरत फैलाकर अपनी सत्ता बरकरार रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वटेंगे तो कटेंगे जैसे बयान कोई साधु नहीं देता है, कोई साधु ऐसा बयान दे भी नहीं सकता है, ये बात तो आतंकवादी कहते हैं। वहीं आपको दादे की आगे उन्होंने कहा कि कोई नाथ संप्रदाय का साधु ऐसी बात कर ही नहीं सकता, हम डरेंगे तो मरेंगे ये भी बोल नहीं सकता। वहीं आपको दादे की उन्होंने योगी आदित्यनाथ को आतंकवादी बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद फिलिस्तीन में रुकेगी जंग, फिलिस्तीन का समर्थन करेंगे ट्रंप। जब दोस्तों आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मिडिल ईस्ट में जंग खत्म करने का वादा किया था। उन्होंने बाइडेन प्रशासन से कहा कि वह लेबनान में शांति प्रयासों को आगे बढ़ाने का समर्थन करते हैं। वही इसराइल को उम्मीद है कि ट्रंप फिलिस्तीन विवाद में उसका उसी तरह से साथ देंगे जैसा उन्होंने पहले कार्यकाल में किया था। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करने वाले अरब अमरीकियों के गठबंधन के प्रमुख ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अब दो स्टेट का समाधान अमेरिका लेकर आएगा और डोनाल्ड ट्रंप फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश बनवाएंगे और इसराइल को अलग करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप का झुकाव हमेशा से ही फिलिस्तीन के आगे रहा है और इसराइल के वो हमेशा से ही विरोधी रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बहराइच की बात, उत्तर प्रदेश के बांदा में मस्जिद गिराने का हिंदुओं ने मुसलमानों को दिया आदेश, बोले 30 दिन में मस्जिद नहीं गिराई तो करेंगे इस पर हमला। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बहराइच और अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद अब उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में भी ऐसी स्थिति हो गई है। दरअसल आपको दादे की हिंदूवादी संगठनों के लोगों का कहना है कि अगर बागेश्वर पर्वत पर स्थित मंदिर के पास बनाई गई मस्जिद को अगर 30 दिन के अंदर मुसलमानों ने नहीं हटाया तो वो कार सेवा के लिए बाध्य हो जाएंगे। हिंदुओं ने कहा है कि जिस तरह से अयोध्या में बाबरी मस्जिद को हमने तोड़ा था, इसी तरीके से इस मस्जिद को भी तोड़ा जाएगा। दरअसल आपको दादे की बांदा में प्रसिद्ध बागेश्वर पर्वत के पास एक ऐतिहासिक मस्जिद है और यहाँ पर ही एक मजार है और यहाँ पर ऐतिहासिक एक शिव मंदिर बना हुआ है। हिंदूवादी संगठन यानी विश्व हिंदू परिषद ने मांग की है कि मुसलमानों ने हमारे मंदिर के पास जबरदस्ती ये मस्जिद बनाई है और एक दरगाही बनाई है जो कि अवैध है। हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि 30 दिन के भीतर मुसलमान इस मस्जिद और मजार को तोड़ दें, नहीं तो उन्हें कार सेवा करनी पड़ेगी। तो किस तरह से उत्तर प्रदेश में फिर से विवाद शुरू हो गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ट्रंप से मिली करारी हार के बाद भी राष्ट्रपति बनी रहेंगी कमला हैरिस, अमेरिका में उठी मांग। जय दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका में हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है। वहीं डेमोक्रेटिक की उम्मीदवार कमला हैरिस को इस चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। चुनावी नतीजों के बाद अब ये साफ हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। हालांकि हार के बाद भी कमला हैरिस को राष्ट्रपति बनाने को लेकर मांग उठ रही है। डेमोक्रेट्स के कई नेता ये मांग कर रहे हैं कि मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन को इस्तीफा देकर बाकी बचे हुए कार्यकाल के लिए कमला हैरिस को राष्ट्रपति बना देना चाहिए। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति के पूर्व कम्युनिकेशन डायरेक्टर जमाल मिशन ने भी ये बयान दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करने वाले शेख मुजीबुर रहमान की छात्रों ने हटाई तस्वीर, छात्रों के दबाव में झुकी यूनिस सरकार, नहीं की कोई कार्रवाई। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से गद्दारी करके बांग्लादेश देश बनाने का सपना देखने वाले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को बांग्लादेश के राष्ट्रपति भवन से हटा दिया गया है। मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाली देश की कार्यवाहक सरकार ने छात्रों के दबाव में ये कदम उठाया है। दरअसल आपको बता दें कि अगस्त में शेख हसीना सरकार के
के तख्ता पलट के बाद से ही बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान से जुड़े सभी प्रतीकों को निशाना बनाया जा रहा है। मुजीब की तस्वीरों, उनकी मूर्तियों और यहाँ तक कि उनकी फोटो वाले नोटों तक को हटाने का अभियान चल पड़ा है। इस हद तक विरोध हो रहा है कि उनकी फोटो को आंखों का कांटा माना जा रहा है। हालात ये है कि बांग्लादेश के कई हिस्सों में मुजीब से जुड़ी मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं और उनकी विरासत को मिटाने की कोशिश हो रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पाकिस्तान से गद्दारी करके अलग देश बनाने वाले मुजीबुर रहमान की अब उस देश में कोई इज्जत नहीं रही है और वहां के लोग इसको सबसे बड़ा दुश्मन मान रहे हैं।